एल्कमिन आर एस के मैथ मीटर चैप्टर हमारा थर्टीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू सम नंबर टेन इन ए फिगर थर्टीन पॉइंट वन टू के अंदर यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप सेड लैंप सेड का फ्रेम है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये लैंप सेड की फ्रेम है सिलेंड्रिकल फॉर्म में इट टू बी कॉल्ड इसको ढकना है विद द डेकोरेटिव क्लॉथ डेकोरेटिव यानी सजे हुए कपड़े के साथ द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर जो फ्रेम का बेस का डायमीटर इज गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी डायमीटर हम साथ में लिखेंगे डायमीटर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर और हमें नीड होगी रेडियस की रेडियस इज द हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हाफ यानी ट्वेंटी को हाफ करेंगे किसी को भी हाफ करना तो टू से हम डिवाइड करेंगे तो बाई टेन से सेंटीमीटर ये हमारी रेडिस हो गई एंड हाइट जो लैंप सेड की हाइट गिवन है वो थर्टी सेंटीमीटर है ए मार्जिन जो हमने कपड़ा लेना है लेंथ है उसकी मार्जिन होती है ना एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ने के लिए भी नीड होगी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग उसको फोल्ड करना मोड़ना है इट ऑफ द ओवर द टॉप यानी टॉप पे भी हमें टू पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा कपड़े की नीड है और बॉटम बॉटम में भी हमें टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कपड़े की नीड होगी यानी जो कपड़े की लेंथ हम लेंगे वो बढ़ जाएगी थर्टी तो सेंटीमीटर तो हमें लैंप सेट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी और मार्जिन के लिए जो फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए हमें उसके लिए टू पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा उधर टू फाइव एक्स्ट्रा तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ जो क्लॉथ की लेंथ क्या होगी थर्टी सेंटीमीटर लैंप सेड के अकॉर्डिंग भी लेंगे है और टू पॉइंट फाइव का सेंटीमीटर का मार्जिन हम ऊपर छोड़ेंगे और टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का मार्जिन हम नीचे छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए तो टोटल जो लेंथ होगी वो हमारे पास थर्टी फाइव सेंटीमीटर हो जाएगी यानी जो कपड़े की लेंथ है अब हमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड हाउ मच क्लोथ कितना कपड़ा इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेड लैम्प सेड को हमने कवर करना है लैम्प सेड यहाँ से हम कवर करेंगे इट मीन्स नीड टू कर्ड सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया तो यहाँ से कर्ड सरफेस एरिया इट इज़ अ सिलेंड्रिकल फॉर्म तो टू पाई आर एच टू पाई इज सेवेंटी टू बाई सेवन रेडियस इज टेन सेंटीमीटर और हाइट क्योंकि कपड़े की लेंथ हम थर्टी फाइव लेंगे तो हाइट हमारी थर्टी फाइव होगी और सेंटीमीटर स्केयर के अंदर हमारा एरिया होगा सेवन से कट करेंगे सेवन फाइव ज़ा टेन यहाँ से ट्वेंटी टू फाइव ज़ा वन हंड्रेड टेन और टू टेन जा ट्वेंटी इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू और वन टू टू जीरो सेंटीमीटर स्केयर के अंदर हमारा यानी जो टोटल क्लोथ है कितना सेंटीमीटर ले एरिया का क्लोथ हम लेंगे ट्वेंटी टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्केयर टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर का क्लोथ हम लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आर्स विद्यालय से वर आर्स टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर पेन होल्डर बनाना है इन द सेप ऑफ सिलेंडर जो पेन होल्डर पेन के रखने के लिए जो होल्डर होता है यानी स्पेस रखने के लिए जो हम रखा पेन होल्डर होता है वो हमें किस सेप का बनाना है यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाना है विद द बेस यानी नेचुरली बेस तो उसका बनेगा ही क्योंकि पेन कहाँ पे हम होल्ड करेंगे रखेंगे पेन रखने के लिए ऊपर से हमारा ओपन होता है और नीचे हमारा बेस लगा होता है पेन होल्डर का यूजिंग कार्डबोर्ड हमने इसको गत्ते से बनाना है ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस जो प्रत्येक पेन होल्डर है उसकी रेडियस क्या होगी थ्री सेंटीमीटर रेडियस इज गिवन थ्री सेंटीमीटर और जो पेन होल्डर की हाइट इज गिवन है एच इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये पेन होल्डर की हाइट है टू सप्लाई कार्डबोर्ड भी जो विद्यालय है, है, उसने, उसने, का है कार्डबोर्ड इन गत्ता भी सप्लाई करना है अब हमारा जो कार्डबोर्ड है वो गत्ता कितना यूज होगा बेस भी लगाना है पेन होल्डर को हमने ऐसे इसको भी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें बनाना हो तो हमें नीड होती है सरफेस एरिया की इफ देअर वर्क थर्टी फाइव कॉम्पिटिटर यानी थर्टी फाइव कॉम्पिटिटर हैं प्रतिभागी हैं तो इट मीन्स थर्टी फाइव हमें पेन होल्डर बनाने हैं एक पेन होल्डर का हम सरफेस एरिया निकाल कर थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी फाइव जो कार्बोर्ड का जो एरिया है वो निकल जाएगा हाउ मच कार्बोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन के लिए कितना कार्बोर्ड हम खरीद के लेके आएंगे नाउ अब ये हमारे पास एरिया ऑफ वन पेन होल्डर एक पेन होल्डर का हम एरिया ऑफ वन पेन होल्डर एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लेंगे अब पेन होल्डर में हमने कॉर्ड सरफेस यानी कॉर्ड भी बनाना है तो टू पाई आर एच और प्लस में उसका हमने बेस भी लगाना है तो बेस क्या होता है सर्कल की शेप का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यहां से या तो सब की वैल्यू अलग अलग रख के आप पुट कर सकते हो या फिर आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके आप यानी टू यानी पाई आर कॉमन निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते अब यहाँ से अगर पाई आर पाई आर दोनों में कॉमन निकालो तो कॉमन भी आप निकाल सकते हैं पाई आर हम कॉमन निकालेंगे रिमेनिंग इज टू और एच प्लस में यहाँ पे पाई आर पाई कॉमन आर कॉमन रिमेनिंग इज आर वैल्यू पुट करेंगे पाई ट्वेंटी टू बाय में सेवन रेडियस इज़ थ्री सेंटीमीटर और टू एच की मल्टीप्लाई करेंगे टेन पॉइंट फाइव से और रेडियस इज़ थ्री ट्वेंटी टू बाय में सेवन मल्टीप्लाई थ्री यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी वन हो जाएगा क्योंकि टेन टेन ट्वेंटी और पॉइंट फाइव का वन हो जाएगा ट्वेंटी वन प्लस में थ्री और सेंटीमीटर स्केयर में कम्प्लीट एरिया होगा ट्वेंटी टू बाई में सेवन थ्री मल्टीप्लाई में इनको मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्केप ये हमारे पास इसको हम कट नहीं करेंगे लास्ट में कट कर देंगे कि हमें ये एरिया ऑफ वन पेन होल्डर का है हमें थर्टी फाइव पेन होल्डर बनाने क्योंकि थर्टी फाइव जो कंप्यूटर हैं प्रतिभागी हैं जो कॉम्पिटेटर हैं उनका हमारे पास यानी एरिया ऑफ थर्टी फाइव पेन होल्डर जितने प्रतिभागी होंगे उतना ही हम उतने ही हम पेन होल्डर बनाएंगे तो एरिया ऑफ थर्टी फाइव वन पेन होल्डर का एरिया हमारे पास ये है थर्टी फाइव का ज़्यादा होगा ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू बाई में सेवन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर अब यहाँ से कट कर सकते हैं सेवन से कट करेंगे फाइव ज़ा ट्वेंटी टू फाइव ज़ा वन हंड्रेड टेन और यहाँ से थ्री फोर ज़ा वन बाय वन कर लेते हैं यहाँ से इलेवन थर्टी थ्री और ट्वेंटी फोर कंप्लीट की मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्केर यानी टोटल कार्बोर्ड हमें नीड होगा सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्केर का कार्डबोर्ड स्कूल की तरफ से आएगा दिस इज द क्वेश्चन नंबर इलेवन डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू